हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। हूँ मैं, नहा धो चुकी हूँ और सुबह तो देखिए सुबह के बच्चों के 6:30 पूरे करेक्ट। और ये देखिए सोते पड़े हुए सुबह सुबह। तो मैं उठी थी सुबह 4:30 बजे। मैंने अपना घर का सारा काम वाम कर लिया अभी, तो देखिए साफ सफाई एकदम पड़ी हुई है मेरे घर में। मैंने सुबह सुबह सारा काम कर लिया है, ये देखिए देखी तो यही है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मैं मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद, ठीक है। तो देखिए बज गए हैं 7:41 और ये देखिए अभी तक सो रही है। इसकी पोजीशन देखिए कितना सोती है बताओ अभी तक है। और मैं तो मंदिर से भी होके आ गई। अरे भगवान, थक गई। मुंह छुपा रही है ये कि मेरी वीडियो सही से ना आए। मम्मी चाय ले आई है सुबह सुबह की। आज मम्मी तो बहुत लेट उठी भैया, हमें तो भूख लग रही है, हम तो जा रहे हैं चाय पीने। तो भाई साहब चाय आ चुकी है, मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। बहुत तेज भूख लग रही है। 8 आपने देखा ये कि 8:15 हो चुके हैं, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने और चाय का मजा लेने के लिए। फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद, तब तक व्लॉग में बने रहिए, ठीक है। तो भाई सुबह की सब्जी का इंतजाम हो चुका है। सुबह की सब्जी में मम्मी की तैयारी कर रही है यहाँ बैठ के। और ये देखिए बन प्याज काटने जा रही है और लौकी बनने जा रही है। ये रही लौकिया, कट चुकी है। किस किस को लौकिया पसंद है? मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं कुछ और खाऊंगी और ये लोग लौकिया खाएंगे। तो गाइस अभी दोपहर के 1 बज चुका है। 1 बज चुका है ना, कितना बज रहा है? एक बज गया है, उल्टा दिखाई दे रहा है। 1 बज गया है, 1 बज गया है। और मैं नहा धो ली हूँ, मेरा थोपड़ा लग नहीं रहा है नहाया, क्योंकि मैंने सर नहीं बांधा हुआ है। अभी मैं ऐसी कबाड़न जैसे घूमने से नहीं लग रहा, तो मैंने नहा लिया है। क्या खा रही हो? कौन सी सब्जी है? मैंने सुबह बताया था ना मम्मी ने लौकिया काट लिया, ये तो ये लौकिया है, ये रोटी है और ये लभेरे का अचार है। मैंने पहले बताया था कि मैं बिना अचार की रोटी नहीं खाती हूँ, तो अचार है। तो बहुत लभेरा खाने लगी है। हाँ मैं अपने दिखाऊँ? मैं देखो, मैं तो सिंपल था, खा रही हूँ 2 रोटी। दिख रहा है ना ये रोटी, ये जली हुई रोटी, ये मत समझना कि रोटी जल गई है, मैंने खुद जलाई है। पता है कि मेरे को ना ऐसे पापड़ जैसी रोटी, मतलब गरम करे एकदम पापड़ जैसी हो जाए, पापड़ जैसी हो जाए और करारी हो जाए, तब मजा आता है मेरे को रोटी खाने में। ये ढीली ढीली रोटियां खाने में मजा नहीं आता मेरे को। मैं खाना खा लेती हूँ, हम दोनों खाना खा लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग में आगे बने रहना। अभी लंबा है ब्लॉग, ठीक है, तो अभी आगे का ब्लॉग और देखना। तो गाइस खाने खाने के बाद बोलो था कि ब्लॉग दिखाएंगे आगे का। खाना खाने के बाद क्या हुआ कि हम लोग सो ही गए, सारे लोग को सर के सो गए। 5:30 बजे उठे, मैं उठी, उसके बाद मैंने सबको उठाया, मम्मी जल्दी उठ जाए, 5:30 बज गए हैं। 5 बजे उठे, झाड़ू लगाई मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि 6 बजे के बाद झाड़ू लगती नहीं है, ठीक है। फिर मम्मी ने, मैं अपनी चोटी वोटी बनाई अच्छी से, शक्ल और अच्छी करी मैंने, देख लो मेरी शक्ल थोड़ी अच्छी बदल गई अभी। और कई दिन ना सुबह हमारे घर में ना कुछ थोड़ा सा सामान आया था परचूनी का, तो वो दिखाऊँ? मतलब 4 सामान थे और 4 सामान बिल्कुल मतलब 1600 रुपये, 1650 रुपये की पड़ेगी, बताओ कितनी महंगाई हो गई आजकल। वही ना, सुबह सुबह कुछ सामान आया था, ऐसे ऑफर वॉफर आ रहा था, तो मेरे भाई ने ऑर्डर किया था। ये चीनी जो है, ये जो चीनी है ना, ये चीनी ये 1 रुपये की पड़ी है, ये चीनी जो है 1 रुपये की पड़ी है। बाकी ये जो सामान है ना, ये आया है नमक, चटा नमक जो सब खाते हैं, सबसे महंगा चीज़ है ये बादाम। इसी बादाम की वजह से सारा सामान 1600 रुपये का पड़ गया। और इसके अंदर ये है टूथपेस्ट पतंजलि के, इसके अंदर तीन तीन पेस्ट है, इसलिए सामान थोड़ा महंगा पड़ गया। और एक ना वो भी आया था, वो था ना लेस का चिप्स, ग्रीन वाला जैसा प्याज होता है, प्याज वाला, तो वो भी आया था। तो उसमें वो मतलब 20 रुपये का था, 17 रुपये का मिला था हमें। तो उसमें लिखा था कि मतलब इसमें एक QR दे रखा था, उसको स्कैन करके 20 रुपये आते थे। मैंने उसको स्कैन वगैरह करे, 20 रुपये तो कहीं ना दिए, 6 रुपये दिए बस। झूठ बोलती हैं कंपनियां सारी, बताओ कैसे बेवकूफ बना रहे लोगों को। हाँ भाई, क्या कर रहे थे नीचे?
तू क्या छुप के बैठ जाता है, चूहे जैसा है पिद्दू। अब तू झाड़ू लगा रहे हैं, जब तक उसे बोलो झाड़ू लगाने तब तू लगाएगा नहीं अपनी उम्र पे। झाड़ू रख दे, घुसा दे अंदर जल्दी, मारूंगी तेरे को। उठ खड़ा हो जल्दी, खड़ा हो तो झाड़ू लगवा दूंगी एक बार मैं अभी। खड़ा हो जा जल्दी, देख मत घूर घूर के, तो सब पता है मेरे को, तू चालाक बहुत है तू। अंदर का झाड़ू खड़ा हो, चल चल बाहर चल। ये देख तेरी दादी बैठी है, तेरी बुआ बैठी है, इसको संभाल लो, मैं मार वार दूंगी। देख भैंस आ गई, तेरी फ्रेंड आ गई, ओए तेरी होने वाली सास है, देख कुछ ढूंढ रही है, अपना दामाद ढूंढ रही है। अरे मैडम इधर है तेरा दामाद, पीछे चलो चलो, नहीं मिलो चलो आगे चलो। बेचारी गायों को भी ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ भाई दामाद जी, तुम्हारी सास गई तुमने देखा नहीं? भाई इसके तो कारनामे ही अलग है, कभी चप्पल खाएगा कभी मिट्टी खाएगा, यही कारनामे है। कहाँ चली गई थी सास? ये रही, ये रही। हाँ तो सास को ये खिलाता है, चारा खिलाता है, बाहर देख कर तेरी सास खा रही है, ए कुछ अच्छा भी नमकीन पानी खिला रही। सो गाइस, अभी आप मैं आपको दिखा देती हूँ, शाम हो रही है और शाम के 7 बज चुके हैं, घड़ी में 7 बज चुके हैं। और 7 बजे रोज घर में पूजा होती है, शाम की आरती होती है, तो शाम की आरती हमेशा नीलम करती है, कभी कभी मैं करती हूँ। तो ये देखो नीलम आरती कर रही है, आरती कर रही है और टीवी में भी सॉन्ग बज रहे हैं। ठीक है, तो आरती के टीवी में सॉन्ग बजते हैं हमेशा, सुबह भी बजते हैं शाम को भी बजते हैं, तो माहौल अच्छा हो जाता है एकदम, मतलब लगता है भगवान जी आ ही रहे हैं, बिल्कुल तुरंत आ ही जाएंगे। और इतना बदमाश है, देखो वो आरती कर रही, कैसे उसको पीछे से मार रहा है, इतना दुष्ट बालक है ये। ऐसे बालक किसके घर में है कमेंट करके बता दो, हमारे घर में तो बड़ा दुष्ट है। आरती बज रही है, मजा आता है आरती करते हुए ना, बहुत अच्छा फील होता है। इस खिन्नु ने यहाँ पे इस गद्दे में क्या हाल किया हमारा, ये देखो यहाँ पे सुसु कर दिया है इसने, पता नहीं किसने इसको गद्दे पे बैठा दिया। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे कपड़े को तय कर रही है, और ये शैतान यहाँ नाच भी रहा और मम्मी को बहुत ज्यादा परेशान भी कर रहा था। मम्मी ने अभी इसको एक दो चांटे भी मारे हैं, तो साइड होके नाच रहा है अपना। चलो मम्मी तो अपनी घर ही बना रही है। तो गाइस हमने बोला था कि हमारे पास फोन नहीं है, तो हमने सरप्राइजली अचानक से फोन खरीद लिया, तो हम दुकान पे यानी कि शॉप पर जा रहे हैं तो फोन खरीदने के लिए, तो ब्लॉग में बने रही और आपको हमारा नया फोन देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग ना पहुंचने वाले, ये दिख रहा है ना ओप्पो वीवो वाला, यही है दुकान, तो ये पहुंचने वाले हैं। चलो चलो जल्दी, बस पहुंच गए गाइस, पहुंच गए, ये रही ये वाली, फोन तो मैंने ले लिया है। चलो अब इसमें इसकी हालत घर पे देखेंगे क्या है क्या है, नहीं है सिम उसी में थी ना, घर पे आपको दिखाएंगे अच्छे से डार्क डार्क क्या है जी। मजा आ गया, फोन तो ले लिया था। जब हम लोग फोन लेने जा रहे थे ना, तो हमको ना एक दुकान दिखी थी जहाँ पे मतलब ऐसे बोल रहे थे 20 रुपए का फोन कोई भी लाओ, 20 रुपए का नेम प्लेट चढ़वा लो। तो हम लोगों ने सोचा चलना, मौका भी अच्छा है, बाहर भी आए हैं, सस्ता भी माल है, नेम प्लेट भी चढ़वा लो साथ के साथ। हमने 20 रुपए का सस्ता नेम प्लेट भी चढ़वा लिया, और इससे
मतलब सारी जो है ना सिक्योरिटी साथ लेके चल रहे थे। नया फोन है भाई, करना तो पड़ेगा ना भाई, नया फोन है भाई, अभी तो आते करेंगे। अरे तीन, अरे कम से कम 4-5 दिन तो शौक रखूंगी ना। तो गाइस बच चुके हैं रात के 9:38, तो शॉप पर फोन लेते लेते इतना एक घंटा लग गया हमें, बहुत टाइम लग गया हमें। तो इतने 9:38 भी हो चुके हैं और मेरे को बहुत जोरदार भूख लगी हुई है। तो आज मजेदार चीज बनी हुई है, वो मैं दिखाती हूँ क्या बना हुआ है, जमकर खाने वाली हूँ मैं। तो ये देखिए बने हैं आलू के पराठे और उसके साथ मजेदार लस्सी वाइट। तो पराठे का असली मजा तो लस्सी के साथ ही है, तो मैं हमेशा लस्सी के साथ ही पराठे खाती हूँ। कमेंट करना कि कौन कौन आलू के पराठे हैं वो लस्सी के साथ खाता है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ क्योंकि असली मज़ा तो इसी के साथ है। चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं पर इसके साथ और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं और बहुत मज़े आ जाता है लस्सी के साथ खाने में। लस्सी खट्टी खट्टी होती है, नॉट पराठे। ओके तो चल, तो गाइस हम लोग फ़ोन खरीद के आ चुके हैं और आपको मैं फ़ोन दिखाने जा रही हूँ। धीरे धीरे दिखाऊंगी। ये देखो ये है वीवो Y36। ये है वीवो Y36 का फोन है, वीवो का है। जैसे ही दिख रहा है ना सेम अंदर ही वैसा ही होगा। इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, दिख रहा है ना वीवो Y36। अब ये इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। पन्नी के अंदर पैक कर रखा है ये फोन, तो आराम से निकालते हैं। सेम है जैसा बाहर दिख रहा था वैसे सेम है, मस्त लग रहा है ना। कमेंट करके बता देना। गोल्डन गोल्डन, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये वॉलपेपर इसका ऐसा दिख रहा है। ये देखो कलर देखो इसका, बढ़िया लग रहा है ना एकदम सोने जैसा। बस कैमरा वैमरा बढ़िया। इसके साथ क्या क्या आता है देखते हैं। एक कवर आया इसके साथ, ये वाला कवर आया है, क्या बोलते हैं इस कलर को, ट्रांसपेरेंट कवर, बढ़िया लग रहा है। और आया है चार्जर आया है, ये जो फोनों के साथ चार्जर आते हैं वही रियल चार्जर होते हैं। ये इसकी लीड और एक पिन आई है, ये आया है। और सबसे अच्छी बात ये है कि फोन के साथ दुकान वाले ने हमें एक गिफ्ट भी दिया है। वो गिफ्ट क्या है, ये है चाइना की घड़ी, जिसको उसने 2-3 हजार का बता के पागल बना दिया। हमने इसको पहले ही खोल लिया था और उसका कवर पट्टा पट्टा सब डाल दिया था। तो ये है, इसके अंदर ना सारी चीजें, फोन ही है एक तरह से, छोटा फोन की बनी जाती है ये ना, फोन ही है, मैसेज वैसेज ये सब आ रहे हैं इसके अंदर। ये देखो टच वाली घड़ी है, टच वाली, ये सब आ रहा है इसमें। इसमें को घड़ी में टाइम तो दिख नहीं रहा और सारे फीचर ज्यादा दिख रहे हैं, पता नहीं। अब इसको सेटिंग करनी पड़ेगी तब सारा सामान चलेगा। ये घड़ी है और ये इसका चार्जर है। चार्जर कैसे लगता है, चार्जर ये लगा दो ऐसे, इसमें ऐसे चार्जर लगा दो, लग जा। और ये पहले ना समझ नहीं आती कैसे लगाएंगे, मैं इसको ऐसे खोल रही थी ऐसे, इसको खोल क्या पता ऐसे खोल के फिर लगा दे, ये पता चले ऐसे चिपकता है, चिपकने वाला ये। हमें खोल रही थी ऐसे करके, मेरे को लगा तो खोलेंगे फिर इसको ऐसे लगा देंगे, फिर इसने लगाया ऐसे चिपकने वाला है, ऐसे चार्ज होगी ये है। और एक क्या बोलते हैं लीड को, नेक पैड, नेक पैड भी होती है, लीड होती है ना ब्लूटूथ वाली लीड, वो भी दे रहे थे, वो देंगे सुबह क्योंकि वहां पे बहुत सारे कस्टमर खड़े थे तो उनको भी देना पड़ता, इसलिए उन्होंने बोला कि चुपचाप से तुम सुबह आना 11 बजे हुआ तब मैं दूंगा। तो सुबह मैं जाऊंगी लीड लेने, वो भी दिखाऊंगी। दो गिफ्ट आए हैं, एक ये घड़ी दी है और एक वो नेक पैड दिया, अभी सुबह दिखाऊंगी। अब आपकी फोन तो है ही, कमेंट में पूछना है कितने का है तो मैं बता दूंगी कितने का है। चल बस तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो आज के लिए बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
सो वीडियो को पूरा देखना है, और लास्ट में मैंने प्राइस बताया कि कितने का है, तो लास्ट तक वीडियो को देखोगे तभी प्राइस पता चलेगा। तो यहीं पे एंड करते हैं, आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ओके बाय।